ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमीरपुर उद्यान विभाग के पास सर्द मौसम के 4300 पौधों की पहली खेप पहुंच चुकी है। बागवानों को सेब, पलम, आड़ू, कीवी व खुमानी के पौधे डिमांड के मुताबिक बांटे जा रहे हैं। हालांकि फलदार पौधे बीते वर्ष के मुकाबले थोड़ा महंगे हैं। उद्यान विभाग ने सभी ब्लॉकों को डिमांड के मुताबिक सप्लाई भेज दी है ताकि बागवानों को घर द्वार के नजदीक बेहतर क्वालिटी के पौधे मिल सके। हमीरपुर डांगवाली के पास पौधों को खरीदने के लिए दिन भर लोगों की काफी भीड़ उमड़ी रही। हमीरपुर उद्यान विभाग के पास सर्द मौसम के 4300 पौधों की पहली खेप पहुंच चुकी है। बागवानों को सेब, पलम, आड़ू, कीवी व खुमानी के पौधे डिमांड के मुताबिक बांटे जा रहे हैं। हालांकि फलदार पौधे बीते वर्ष के मुकाबले थोड़ा महंगे हैं। उद्यान विभाग ने सभी ब्लॉकों को डिमांड के मुताबिक सप्लाई भेज दी है ताकि बागवानों को घर द्वार के नजदीक बेहतर क्वालिटी के पौधे मिल सके। हमीरपुर डांगवाली के पास पौधों को खरीदने के लिए दिन भर लोगों की काफी भीड़ उमड़ रही है। बता दें कि उद्यान विभाग में कीवी के 500 पौधे पालमपुर यूनिवर्सिटी से मंगवाए गए थे जो कि हर ब्लॉक को 100-100 के हिसाब से दिए गए थे जो कि ब्लॉकों में हाथों हाथ ही बिक गए। बागवानों को कीवी का एक पौधा 150 रुपए में पड़ रहा है। कीवी के पौधे अब शिमला व सोलन की नर्सरियों से मंगवाए गए हैं ताकि बागवानों को डिमांड के मुताबिक पौधे मुहैया करवाए जा सके। उद्यान विभाग की नर्सरियों में अब सेब, पलम, आड़ू, खुमानी के पौधे हाथों हाथ ही बिक रहे हैं। हालांकि पौधों के दाम बीते वर्ष के मुकाबले बढ़े हैं। बागवानों को सेब का एक पौधा 50 रुपए, आड़ू का 50 रुपए, पलम का 50 रुपए और खुमानी का 50 रुपए में बिक रहा है। विभाग ने डिमांड के मुताबिक सभी ब्लॉकों को पौधों की खेप भेज दी है ताकि बागवानों को बेहतर क्वालिटी के पौधे घर द्वार में मिल सके। जिला उद्यान प्रसार अधिकारी अशोक कुमार शर्मा ने बताया कि लोगों की डिमांड को देखते हुए पौधे मंगवाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि सेब के पौधों को लेकर ज्यादा डिमांड आ रही है और बागवान सेब के पौधों को खरीद कर ले जा रहे हैं। हमने कीवी के बेच दिए हैं, काफ़ी और डिमांड है हमारे पास। और सेब के हम 700 पौधे लाए थे तो उसमें काफ़ी लोग अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और साथ में आड़ू और पलम के प्लांट्स भी थे। और इसके अलावा अभी लोगों की डिमांड को देखते हुए बागवान जो डिमांड कर रहे हैं उसके मद्देनज़र हम अभी नर्सरी से और पौधों की हमने डिमांड दे दी हुई है तो आज शाम तक पौधे और पहुँच जाएंगे हमारे पास। तो ये इस तरह से काफ़ी कहाँ से आ रहे हैं सेब के पौधे और ये कीवी के कहाँ से ला रहे हैं? कीवी के पौधे जो थे हमारे पालमपुर यूनिवर्सिटी से आए थे और ये जो हमारे सेब के और पलम और आड़ू के पौधे आ रहे हैं ये हमारी सरकारी नर्सरी है देवठ ताल के पास, वहाँ से आ रहे हैं। क्या मानते कितना सफल रहेंगे ये पौधे लगाने इस मौसम में? सफल तो ठीक रहेंगे, बाकी लोग बागवानों के उस पर रखता है क्या देख रेख कैसे करेंगे। और बाकी जो क्या क्या क्वालिटी के पौधे लगा रहे हैं यहाँ, क्या क्या क्वालिटी के दे रहे हैं आप पौधे? जो सेब का है हमारा तो अन्ना और गोल्डन का है, अन्ना और भी डोरसेट गोल्डन है। रणवीर सिंह ने बताया कि बागवानी का बहुत शौक है और इसी के चलते आज भी सेब के पौधे खरीद रहे हैं ताकि घर में जाकर लगाए जाएंगे। मुझे बागवानी का बहुत शौक है और मैं जहां भी मुझे पौधे मिलते हैं, फलदार पौधे मिलते हैं, उनको लेके मैं अपने घर में लगाता हूं जाके ताकि उसका अच्छा फायदा हो। बहुत अच्छा लगा, बागवानी विभाग इस काम को कर रहा है तो मैंने आज जो है वो सेब के 10 पौधे लिए हैं और मैं इनको बड़ी इनकी परवरिश करूंगा, इनको घर में जाके लगाऊंगा और इनकी देखभाल करूंगा और इनको जब फल लगेगा तो सभी हमारे समाज के लोग जो है वो फल खाएंगे। मैंने पहले भी पौधे लगाए थे, अब इस साल एक पौधे ने फल दिया, 25-26 दाने दिए उसने पौधे ने, तो यहाँ पे कामयाब है इसे। वहीं एक अन्य बुजुर्ग से आए हुए किसान ने बताया कि हर साल ही पौधे बीजते हैं और इस बार भी सेब और लीची के पौधे लेकर जा रहे हैं। क्या लेने वाले हो? मैं बुजुर्ग करने वाला हूँ। किस चीज के पौधे ले रहा? मैं सेब के पौधे ले जा रहा हूँ। क्या बागवानी करते हैं? बिल्कुल जी, मेरे पास आम है, अमरूद है और नींबू है, अभी थोड़ा सेब लगा रहा हूँ, देखते प्राइस कैसा आता है। इसमें किस हिसाब से दीजिए आपको? 50 रुपये पर पौधा दिया।